सुनो, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा मेरे लिए इंतजार करना। लड़कियों को यही पसंद है जो आपने अभी कहा। क्या कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो? हाँ, तारीफ कर देना, एक्सक्यूज कर लेना। मेडल, तुम्हें जब से मेडल मिला है ना, तुम्हारे रंग ढंग बदल गए हैं पता है। बल्कि यहाँ जिस जिस को मेडल मिला है ना, वो अपने आप को पता नहीं किसी और अखलाकी मखलूक समझते हैं। नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की नाइस सॉन्ग। हु इज सिंगर? आई वाना बी। हेलो बाजी, आपने तस्वीर देखी? हाँ देखी मैंने। नुरेश ने रफीका से शादी कर ली। सो व्हाट, खस कम जहाँ पाक। आप वाकई फौजी बन गई हैं? और नहीं तो क्या, बन गई हूँ मैं फौजी। अच्छा अम्मी अबू ठीक है? हाँ सब ठीक है। ठीक है, मेरा सलाम कहना उन्हें। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। I'm really looking forward to come back home as well. So am I. Yeah, तुम passing out parade पे आओगे ना? तुमने invite किया, कैसे नहीं आऊँगा? ज़रूर आना, it's a very important day for me. ठीक है? आ रही हूँ, आ रही हूँ. Wait. हाँ. अच्छा. चलो. ठीक है, okay. I'm gonna hang up. Okay. Bye bye. सिद्रा, तुम्हें पता है एक जमाने में मेरा रंग गोरा होता था, बिल्कुल दूध की तरह सफेद। और एक जमाने में ना मेरा रंग गुलाबी होता था। और देखो तुम्हारा गुलाबी से गोरा हो गया और मेरा गोरे से काला हो गया। तुम्हें मेरा गम नहीं समझ आ सकता, बंदा पठान और काला हो जाए। पता नहीं मेरा गम हर किसी को छोटा क्यों लगता है। ये मानो ने बनाया है। हाँ, स्कूल में फादर्स डे के असाइनमेंट मिले थे उसे। सो दिस वाज द सरप्राइज। नाइसली डन। यस। और तुम्हारे चार बाल बनाए। अब आपकी मुझे कुछ ज्यादा लंबी नहीं करनी। Sweet.
ना इतनी सारी चीजें, यहाँ पे तो पार्टी हो रही है। पहला समोसा गरम गरम। अच्छा ये जरूर ट्राई करना। आज वजीरिस्तान में एक और ऑपरेशन में एक फौजी ऑफिसर और चंद जवान जख्मी हुए। ऑफिसर का नाम कैप्टन दानियाल सफीर है, बाकी जवानों के नाम सिपाही अल्लाह देता, सिपाही बद्दू हुसैन, सिपाही जावेद अख्तर, हवलदार नासिर शफी है। मुझे सच सच बता दे दानियाल भाई, ठीक है ना? रबिया बेटा मुझे खुद भी कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, और यहाँ वाले कुछ बता भी नहीं रहे। रबिया बहुत रो रही है, आप इसे समझाएं। रबिया बेटा बिल्कुल परेशान हो, सब ठीक है। वो वजीरिस्तान से मूव कर रहे हैं और थोड़ी देर में रावलपिंडी पहुंचने वाले हैं। आप बस अपनी पासिंग आउट पे ध्यान। आप मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मुझे सच बता दें कि वो ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है। मैं आ जाती हूँ ना? तुम आ जाओगी तो पलटून कौन लीड करेगा? तुम नहीं आओगी रबिया। रोने के लिए तुम्हें आर्मी में नहीं भेजा, अगर रोना ही था तो फिर घर पे रह ले। दलेर और बहादुर बनो। अगर यूनिफॉर्म पहना है तो फिर उसके तकाजे भी पूरे करो। भाई कुछ नहीं होना चाहिए। बस इतना हौसला था, इतनी हिम्मत थी, और बनना था फौजी। ये फौज है मौज नहीं। मुल्क खून मांगेगा तो खून देंगे। मैं भी तुम भी, यूनिफॉर्म पहनने वाला हर फौजी। सुना तुमने? कैप्टन दानियाल का क्या हालात है? ठीक मैडम। की मैडम आउटपुट मैडम वी नीड मोर आरसीसी, प्लीज अरेंज टू मोर यूनिट्स आरसीसी, ट्रांसफ्यूज हिम, वी कंटिन्यू विद द सेम ट्रीटमेंट मेडिकेशंस एंड देन वी विल सी हाउ थिंग्स आर। थैंक यू।
सो द नेक्स्ट 24 आवर्स विल बी वेरी क्रिटिकल, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये गुजर गए तो सर रिकवर कर जाएंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, मैं यहीं पर हूँ सर के साथ। थैंक यू बेटा। रबिया को ये बिल्कुल ना बताना, अगर उससे बात होगी तो उसको कहना कि ऑपरेशन हो गया और वो सो रहा है। सर एलसी रबिया की जहनी हालत ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि सुबह वो प्लेटून को लीड कर सकेगी। आई अंडरस्टैंड, व्हाट इज योर सेकंड ऑप्शन? सर एलसी माजबीन, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। रबिया वैसे भी शायद कल जाना चाहेगी। ठीक है, अगर वो जाना चाहती है तो हम उसे रोक तो नहीं सकते। The commandant needs to be informed about the situation. आप एलसी माजबीन को प्रिपेयर करें प्लेटून लीड करने के लिए। राइट सर। सर मेरी सीएमएच की एडमिनिस्ट्रेशन और रबिया के वालिद से बात हुई है। सर ही इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। सीरियसली? यस सर, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सर रबिया के वालिद रिक्वेस्ट करें कि रबिया को कुछ बताया ना जाए। ही वांट्स टू स्टे बैक एंड लीड द प्लेटून, बट सर आई डोंट थिंक शी कैन डू इट। वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर वो जाना चाहती हैं तो यू कैन सेंड हर। सर वो जा भी नहीं रही, वो कह रही हैं कि उनके वालिद ने कहा है दैट शी शुड स्टे बैक एंड अटेंड हर पासिंग आउट। आई सी, सो हु इज गोइंग टू लीड द परेड इन हर प्लेस? एलसी माजबीन सर। ऑलराइट, माजबीन सीम्स टू बी अ गुड फिट। आई थिंक शी विल बी एबल टू डू इट सर। ऑलराइट, लेट्स डू इट देन। आप उनको भेज दें एंड माजबीन कैन टेक ओवर द परेड। राइट सर। राइट, बट मैम आई नो रबिया वुड लीड द प्लेटून। आई डोंट थिंक सो। So you have to leave the platoon. Yes, ma'am. पहुंची है ना, हम उम्मीद नहीं छोड़ते। No, I am a failure. मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ जितना पीएम मुझे बनाना चाहता है या जितना दानियाल भाई मुझे बनने को कहते थे। एक चैलेंज आया और मैं Listen to me. You have to be strong, okay? Platoon commander has asked me to lead the platoon. But I can't replace you, okay? You have to do it. I want you to lead from the front, okay? So you have to be strong. ये तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुमने ये पोजीशन अर्न की है।
मैं बहुत सेल्फिश नहीं हो सकती। एक बार रुई थी, आज तक पछता रही। चीजें दोस्ती से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होती, ये मैंने यही आगे सीखी। मैं तुमसे एक बार फिर से माफी मांगना चाहती हूँ, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, it wasn't worth it. It wasn't worth it at all. I'm sorry. तुम्हें पता है, मैंने तब दानियाल भाई से तुम्हारे रिश्ते की बात की थी। मुझे बहुत डांटा था। What? तुम्हारा दिमाग ठीक है? दानियाल भाई, इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? माजबीन आपको पसंद करती है। जैसे तुम हो मेरे लिए, बिल्कुल वैसी वो है। और तुम्हें लगता है कि मैं उसके बारे में शादी का सोचूं? अगर मेरे सामने होती ना तो मैं उसको ठीक कर देता। लेकिन वो आपसे प्यार। Just shut up, यार। उसको जाके बोलो अपना दिमाग ठीक करे। तुम्हें ये नहीं बता सकती मैं। मुझे लगा तुम्हारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दानियाल भाई तुम्हारे लिए क्या सोचते। लेकिन वो तुम्हारे लिए यही सोचते थे। I was such a fool. That's so embarrassing. I was so foolish. But not anymore. वो जो दुश्मनी का एक कांटा था ना, आज वो भी मैंने निकाल के फेंक दी। तुम भी निकाल दो। ओके सब ठीक हो Thank you.
अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम। रबिया आपके लिए गाड़ी अरेंज हो गई है, आप अभी पिंडी चली जाएं, एक ऑफिसर आपके साथ जाएंगे। मैम मैं पासिंग आउट के बाद जाऊंगी। आर यू श्योर रबिया? यस मैम। मैम एलसी रबिया का फोन है, उनके वालिद साहब बात करना चाहते हैं। रबिया फोन सुन ले। नो मैम I have to go to the parade ground. My platoon is waiting for me. I will call him after the passing out. Assalamu alaikum, ma'am. Wa alaikum salam.
He's out of danger, beta. He's out of danger. होश में आती है आपके बारे में पूछ रहा था और फिर हमें इंसिस्ट किया उसने कि हम यहाँ आके आपका इस दिन में आपका हिस्सा बने। Excuse me. Congratulations. Congratulations to you. Thank you. Thank you. Thank you.
congratulations. एक आंसू को देखा आपने मेरी आंखों में? Congratulations, Captain Rubia. Welcome on board. Congratulations. Thank you. अब ठीक है दानियाल, इंशाल्लाह ताला ही विल बी ऑन हिज फीट अगेन सून. यस इंशाल्लाह ताला. But thank you very much. किस लिए? अम्मी बता रही थी कि आप ने दानियाल भाई को कल वहाँ से अकम्पनी किया और कल रात से यहीं हैं उनके साथ. Just वो यूनिफॉर्म की बॉन्डिंग की वजह से किया मैंने. We share the same uniform, so we share the same blood. आपके लिए कुछ नहीं किया. But I share the same uniform and the same blood now. I think. वो तो सोचा ही नहीं मैंने. कॉमन सेंस थोड़ी कमजोर है ना? थोड़ी नहीं है ही नहीं. यू कैन ट्यूटर मी ऑन दैट. मेरे पास करने को इससे बेहतर काम है. तो उन बेहतर कामों में से कुछ मुझे भी दे दीजिए. आई एम अ गुड हेल्पर, आई कैन हेल्प यू. चलें देखते हैं. फिलहाल तो मैं पीएमए जा रही हूँ अपना सामान उठाने. मैं ले जा सकता हूँ अगर आपके पेरेंट्स की परमिशन हो. ऑफ कोर्स. मैं हाशिर, मैं थोड़ी देर के लिए चैनल चेंज कर लूं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हो? अब आप फ्री हैं मामा? जी बिल्कुल फ्री, जब तक नया कोर्स नहीं आ जाता. अम्मी आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आने वाली? माओ को सब पता होगा. आपको पता है मैं सबको क्या कहती हूँ? जैसे एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह एक कामयाब औरत के पीछे उसका पूरा खानदान खड़ा होता है. कामयाब औरत के पीछे एक औरत का ही हाथ है. और मेरा क्रेडिट? आप लोगों की सपोर्ट ही है कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ. चली उस बादल पे उड़े उस आंचल पे हमारे बदले रोजे छूटी पड़ जाए ये दुनिया सारी.
जिंदगी के बाज लम्हे एल्बम का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। इन लम्हों में सब कुछ होता है, फखर, शुक्र, खुशी और बेयकीनी। लेकिन पीएमए इन सारे जज्बों से ऊपर एक और जज्बे से हमें सरशार करता है, हुब्बुल वतनी, जिसका कोई मजहब, कोई कौमियत, कोई जिंस नहीं होती। और वो जगह जहां हम पैदा हुए हैं वो हमारी ही होती है, क्योंकि हमने इसी में दफन भी होना है। मैं आरजू डैनियल, योहन्नाबाद की पहली क्रिश्चियन खातून फौजी ऑफिसर। बाज लम्हे बेयकीनी के होते हैं, क्योंकि जो तब्दीली आप सारी उम्र अपने ख्वाबों में देखते हैं वो एक दिन हकीकत बन के आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पीएमए ने मुझे ये सिखाया कि सब कुछ मुमकिन है अगर करने का हौसला और जुर्रत हो, और तब्दीली लाने वाला हाथ अगर मर्द का होता है तो औरत का भी हो सकता है। मैं कैप्टन शाइस्ता खानजादा, अपने इलाके की पहली कमीशन ऑफिसर। बाज लम्हे ताबीर के होते हैं और बाज लम्हे नसीब के। किसी को नसीब होते हैं, किसी को नसीब नहीं होते। पीएमए ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में बराबरी मिलती नहीं है, अपनी काबिलियत से हासिल करनी होती है। कैप्टन परिवश जमा, अपने कबीले की पहली खातून फौजी ऑफिसर। जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जिसको यादगार ना किया जा सके, पर इसके लिए जरूरी है मकसद, और मकसद के लिए कोई रास्ता चुनना। ये मैंने मुझे सिखाया कि जिंदगी लग्जरीज और कंफर्ट नहीं होती, जिंदगी चैलेंज है, और इस चैलेंज को सामना करने की सलाहियत कोई कोई रखता है। महजबीन मस्तान, अपने खानदान की पहली खातून फौजी ऑफिसर। ऑल ऑफ लाइफ्स मोमेंट्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट सम
are once in a lifetime. Like me, coming to Pakistan. From what I saw, heard and experienced at Pakistan Military Academy, I was convinced that if a bond between two nations is based on sincerity, then it can weigh heavier than blood ties. मैं कैप्टन नेथनी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल करने वाली पहली श्रीलंकन खातून आर्मी ऑफिसर। जिंदगी में बाज लम्हे इतने मुश्किल और भारी होते हैं कि बस रुक जाते हैं। दानियाल भाई के जख्मी होने का भी एक ऐसा ही लम्हा था जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट वाले दिन है। पीएमए में हमें सिखाया जाता था कि हम औरत नहीं फौजी हैं। अब फौजी रोता नहीं है। मैं कैप्टन रबिया से अपने खानदान की पहली खातून फौजी ऑफिसर। तैमूर, तैमूर, जिंदगी के सारे लम्हे गुजर जाने वाले हैं। गम, खुशी, कामयाबी, नाकामी, सब धूप छांव की तरह, इन दरख्तों के पत्तों और फूलों की तरह। बस रह जाने वाली चीज सिर्फ एक है, यादें। और इन यादों से मिल जाने वाला हौसला कि जो भी खोया बेमकसद नहीं खोया, और जो भी पाया बेमकसद नहीं पाया। पीएमए में इस पिछले 1.5 साल में बहुत सारे जख्म मुंतमिल हो गए, बहुत सारी तकलीफ कम होने लगी, बहुत सारे ख्वाब दोबारा से दिखने लगे। जब भी कौम मुल्क की इज्जत पर कोई हर्फ आएगा तो मेरा बेटा भी वहाँ इसी तरह खून बहाने के लिए खड़ा होगा जैसे उसका बाप आज खड़ा होता है, जैसे तैमूर माजी में खड़ा हुआ था। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। ये जुर्रत, ये हौसला फौज ने दिया है मुझे, और इस पर मुझे हमेशा फख्र रहेगा। बदले रोजे छूटी पड़ जाए ये दुनिया सारी। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम में से हमारा। के देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे जुस्त जुते तेरी, नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे।
अब सुने मन की मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई